नमस्कार, मैं शबीना शेख सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे 14 नवंबर को मनाए जाने वाले बाल दिवस की। इस बार कोरोना काल के कारण सारे स्कूल बंद थे, तो बच्चे उत्साहपूर्वक अपने चाचा नेहरू का जन्मदिवस, जो कि बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, नहीं मना पाए। इस संदर्भ में बच्चों के अनुसार बच्चे इस तरह के होते हैं कि वह किसी दूसरे को देखकर उसकी नकल करते हैं, जबकि बच्चों में बचपन से माता पिता और गुरुओं को चाहिए कि उनकी सामर्थ्य के हिसाब से उन्हें काम दें। कई बार बच्चे दूसरों को देखकर उनकी नकल करने लगते हैं, जो कि उनके सामर्थ्य में नहीं होती है। हर इंसान की अपनी कैपेसिटी होती है, अपना सामर्थ्य होता है, और वो उसी के अनुसार काम करता है। मस्तिष्क सभी को प्राप्त हुआ है, मस्तिष्क सभी बच्चों के पास होता है, ऊर्जा सभी के पास होती है, तो सभी बच्चों को अपने हिसाब से काम करना चाहिए, अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं बच्चों के लिए एक शिक्षाप्रद और प्रेरक कहानी की। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये उन बच्चों के लिए है जो अक्सर दूसरों को देखकर नकल करते हैं। एक कहावत भी है कि नकल में अकल की ज़रूरत होती है। ये नकल में अकल की ज़रूरत क्यों होती है? कहा जाता है कि इस कहानी के बाद नकल में अकल की ज़रूरत होती है कहावत बनी। कहानी इस प्रकार से है, एक किसान था और एक व्यापारी था। दोनों के पास एक एक गधा था। एक बार दोनों बाहर शहर में अपने काम के लिए निकले। किसान के पास रुई थी, कपास। वह बाजार जा रहा था कपास बेचने के लिए। उसने अपने कपास के सारे गट्ठे गधे के ऊपर रख दिए। दूसरी तरफ जो व्यापारी था, व्यापारी के पास था नमक। उसने अपने नमक का जो बोरा था वो गधे के ऊपर रख दिया। अब दोनों चले जा रहे थे शहर की तरफ, गांव से। रास्ते में एक नदी आती थी। अब गधे को नदी पार करनी थी। किसान को बड़ा परेशान हुआ किसान कि अब मैं नदी कैसे पार करवाऊँगा। इधर जब दोनों गधे आपस में बात कर रहे थे, तो जिसके ऊपर रुई रखी हुई थी उसका वजन कम था। तो ये गधा जो था वो ये कह रहा था कि मेरे पास जो सामान है उसमें बिल्कुल वजन नहीं है। और जिसके पास नमक था वो गधा परेशान था और धीरे धीरे चल रहा था। चलते चलते अब नदी पार करने की बारी आई, तो जो कपास वाला गधा था वो नदी पार करने लगा। नदी पार करने से उसकी रुई भीग गई, तो उसका वजन बढ़ गया। और वो बाहर निकल गया। इधर जब नमक वाले गधे की बारी आई बाहर निकलने की, तो उसने सोचा कि ये भी पानी से भीग के निकला है, मैं भी वैसे ही निकलूँगा। जब उसने नदी पार की तो सारा नमक पानी में घुल के बह गया। अब पास में जो पत्थर थे, व्यापारी और किसान उस पे से पार हो रहे थे। वो चाहते थे कि गधे भी उस पर से निकले, पर दोनों गधे चूँकि आपस में बात कर रहे थे और दोनों को ये लग रहा था कि सामने वाला मुझसे श्रेष्ठ है और मैं ऐसा ही करूँ। इस चक्कर में दोनों ने अपना नुकसान करवा लिया और आगे जाकर दोनों गधे अपने इस नुकसान की भरपाई कर रही। अब किस तरह की होगी ये आप लोग बेहतर तरीके से जानते हो कि व्यापारी ने और किसान ने उन गधों के साथ क्या किया होगा। रुई भारी हो गई, नमक बह गया और हल्का हो गया, नुकसान दोनों का हुआ। इसलिए हमेशा अपनी सामर्थ्य, समझ और सूझबूझ के साथ अपना कार्य करना चाहिए। अगली एपिसोड में मैं फिर एक नई कहानी लेकर बच्चों के लिए प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।